आप सभी का मेरे ही चैनल पर पुनः स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को 50 से 80% तक कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी मिलती है, यानी अनुदान उनको मिलता है। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय से जो एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नाम की एक योजना है, यह पूरे देश में जो है किसानों को इस योजना से लाभ मिल रहा है। और आप भी घर बैठे आसानी अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस योजना का लाभ पाने के लिए। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक स्कीम चलाई गई है, और इसमें ये प्रक्रिया है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की एक वेबसाइट है एग्रीकल्चर यानी एग्री मशीनरी .nic.in। इस वेबसाइट में आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। चलते हैं हम गूगल क्रोम पर। हम यहाँ पर गूगल क्रोम जो है ओपन करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले एग्री मशीनरी .nic.in पर हम यहाँ पर जाएंगे। तो एग्री मशीनरी .in.nic हम इसमें जैसे टाइप करेंगे तो ये हमारा एग्री मशीनरी .nic.in ये वेबसाइट है जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार की है। और इस पोर्टल पर जाकर आप जो है यहाँ जैसे आपको दिख रहा नीचे फर्स्ट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो आपका ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाती है। और आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं फर्स्ट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इस पर जाएंगे, इस ऑप्शन पर जाएंगे फर्स्ट वाले में। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नीली पट्टी दिखाई देती है ऊपर को, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉर्नर बने हैं। यहाँ पर जो है 500 नंबर पर जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जैसे जाते हैं फर्स्ट में फार्मर दिखता है, इस फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और नीचे के जो मैन्युफैक्चर है या एंटरप्रेन्योर है या सोसाइटी SHG ये ग्रुप्स है, इनमें नहीं जाना है। अगर आप सोसाइटी या SHG या कोई आपका ग्रुप है उसके माध्यम से आप अनुदान देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस ऑप्शन में। अगर आप जो है इंडिविजुअली आप अपने कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फार्मर पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये पेज खुल जाता है, इसको आप रीड कर सकते हैं। फिर इसको क्लोज करते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप ये आप रजिस्टर कर सकते हैं आधार नंबर से या मोबाइल नंबर से, एज पर नेम जो आधार कार्ड में है उससे, तीनों ऑप्शन आपके पास। जैसे आप आधार कार्ड से करते हैं या मोबाइल नंबर से करते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे जैसे आधार कार्ड से करेंगे तो आप जैसे क्लिक करेंगे आधार कार्ड में आपका सेलेक्ट स्टेट आएगा, आपका स्टेट कौन सा है, आप जो भी स्टेट में है वहाँ पर इसको एंटर करेंगे, अपना आधार कार्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। और जैसे आप आधार कार्ड यहाँ पर एंटर करेंगे तो पूरा एक आपका एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा, और फिर आपकी डिटेल है आप इसको फिल करेंगे। यहाँ से रजिस्टर पर जाएंगे आप जो है ये पूरा एक फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म अपने ओपन हो जाता है यहाँ पर, इसको आप फिलअप करेंगे। जिस स्टेट में भी रहते हैं वो अपना स्टेट डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना तहसील सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक जो है वो भी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जितनी भी डिटेल है मोबाइल नंबर जो है अपने मोबाइल नंबर आपको जो है वो सही करेक्ट डालना है, गलत मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर नहीं करना है क्योंकि बाद में जो है OTP जो है इस नंबर पर आपकी आएगी। तो इस तरह से जो ये ऑनलाइन फॉर्म है ये ओपन हो जाता है, और इसको पूरी तरह अच्छी तरह देख कर इसको भरेंगे। और इसको भरने के बाद यहाँ जो नीचे लास्ट में ग्रीन कलर का रजिस्टर आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका जो ID है और पासवर्ड है दोनों जनरेट हो जाएगा। और इसको क्लिक करते ही आपका तुरंत यहाँ पर शो हो जाएगा ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको आप नोट कर लेंगे। और जब उसको नोट करेंगे फिर आप इसको यहाँ से बैग आ जाएंगे। यहाँ से बैग आने के बाद आप क्या करेंगे, साइन इन पर जाएंगे, ये साइन इन दिख रहा है यहाँ पर, इस साइन इन ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है फार्मर वाले लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर फार्मर वाला है ऑप्शन, इस फार्मर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप कैप्चा कोड भरते हैं तो इसको साइन इन करेंगे, और साइन इन करने के बाद आपका जो है ये पूरा इस तरह से प्रोफाइल बन जाती है। डॉक्यूमेंट डिटेल पर जाएंगे, ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल पर जैसे आप जाएंगे तो अपने प्रोफाइल पर जब आपका पासवर्ड और ID जनरेट हो जाएगा फिर आप लॉगिन करेंगे उसे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से ये ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल पर जाएंगे तो ये पूरा आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ऐसी इस तरह से शो होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर चूज फाइल है, ये आपका फोटोग्राफ है, केवल साइज दिखा रखा है 100 KB, 100 KB से ऊपर फोटो नहीं होनी चाहिए। पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी जो है आपका 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड जो है वो भी 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। 100 KB की फाइल बनाकर ही अपलोड करना है। उसके बाद जो है ऐड बैंक डिटेल आना, आपको एड बैंक पर जाएंगे। जैसे एड बैंक पर जाते हैं तो आपको इस तरह से शो होता है, यहाँ पर सेलेक्ट बैंक करेंगे आपका ब्रांच कौन सा है, वो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर अपना IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, आप पूरा डिटेल करेंगे। और यहाँ पर जो चूज फाइल आपको दिख रहा है यहाँ पर फाइल आपको अपलोड करनी है, कौन सी फाइल, यानी कि जो आपका बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड करना फ्रंट पेज उसका। और जब आप फ्रंट पेज अपलोड करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट बैंक डिटेल पर जाएंगे तो पूरी तरह से अपलोड हो जाएगी। इसी तरह जो है आपका जो है एड लैंड डिटेल है, यहाँ पर देखिए आप किनारे जहाँ पर प्रोफाइल है तो एड लैंड डिटेल पर जाएंगे, यानी कि आपका जो भूमि का जो रिकॉर्ड है जैसे खाता खतौनी है वो यहाँ पर अपलोड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर एड पर जाएंगे फर्स्ट में, एड लैंड लोकेशन इन डिफॉल्ट एड्रेस लोकेशन पर जाएंगे, यहाँ पर एड पर जाएंगे सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको ओके करेंगे तो ये आपका स्टेट आएगा, ब्लॉक आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, विलेज आएगा, यहाँ पर खाता नंबर आएगा। खाता नंबर आप जो है आपका जो ये खाता खतौनी है वहाँ से आप देखेंगे तो खाता नंबर डालेंगे, यहाँ पर खसरा नंबर भी आप खतौनी से देख कर यहाँ पर एंटर करेंगे, जो एरिया जो रकवा है कितना भूमि है वो भी यहाँ पर डालेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल है, यहाँ पर जो है खाता खतौनी का जो है वो 100 KB के लगभग आसपास आपको फाइल बनानी है, उसमें यहाँ पर अपलोड कर देना। जैसे अपलोड करेंगे तो इस तरह से नीचे यहाँ पर शो हो जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा, खाता नंबर, खसरा नंबर, एरिया कितना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये आपका पूरा यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। और ये काम आप घर बैठकर जो है मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं आप। तो ये प्रोफाइल बन जाएगी, फिर इसके बाद आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपकी प्रोफाइल बनने के बाद आप अपना कृषि यंत्र के लिए आप कैसे अनुदान के लिए अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताऊंगा।
तो आपको यंत्र के लिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोफाइल है, आप देख पा रहे हैं ये आपका नाम आएगा, उसके नीचे एड व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर एड व्यू एप्लीकेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एड व्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे। इसके बाद आपकी प्रोफाइल तैयार हो गई, पूरी तरह से तैयार हो गई है। नीचे आ रहा है ऑप्शन सेलेक्ट लैंड लोकेशन, आपको अपनी लैंड की लोकेशन आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब सेलेक्ट इम्प्लीमेंट फॉर अप्लाई, किस इम्प्लीमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये आपका डिटेल आएगा। ये जब टारगेट पढ़ते हैं तब आप यहाँ पर एड एप्लीकेशन करेंगे, अगर अन्यथा टारगेट नहीं है फिर भी, अगर टारगेट नहीं है फिर भी आप वेटिंग में अपना नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पावर बिल्डर चाहिए, पावर बिल्डर में आप क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप की वेटिंग आ रहा है, लेकिन प्रेजेंटली नो टारगेट आ रहा है, लेकिन आप वन टाइम जो है अपना अपना जो है वेटिंग में आप अपना वेटिंग में अपना जो वो कर सकते हैं। तो वेटिंग में कैसे करेंगे, व्यू टर्म पर जाएंगे, आपको व्यू टर्म पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा पूरा डिटेल ये, और जैसे एड एड एप्लीकेशन पर जाएंगे पहले सबसे पहले आपको व्यू टर्म कंडीशन पर क्लिक कर देना है। अगर ये व्यू टर्म कंडीशन पर आप क्लिक नहीं करते हैं तो एड एप्लीकेशन पर आप नहीं जा पाएंगे, तो उसके बाद एड एप्लीकेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर एग्रीमेंट डॉट एनएससी से ये विल बी एबल टू चेंज टू फार्मर डिटेल, फार्मर टाइप ये होगा इसको ध्यान देना, ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में जब मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ पर एंटर किया था वही मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, जब ओटीपी आप डालेंगे तो सबमिट करेंगे, सबमिट ओटीपी करेंगे और प्लीज वेट आपको दिखाई दे रहा, और इस तरह से आपके वन टाइम एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऐसे दिखाई दे रहा है, आपका अपनी शो हो रहा है। इंप्लीमेंट सेफली सक्सेसफुल, प्लीज नोट डाउन पिन, ओपन एप्लीकेशन एट डीलर्स इन योर पिन, आपको दिखाई दे रहा है ये आपको पिन मिल गया है, ये जो पिन मिल गया है इसको आपको नोट कर लेना है, आपने अपना जो है इंप्लीमेंट के लिए जो है आपने जो है वो अप्लाई कर दिया है, आपको ये पिन आपको यहाँ पर डालना, और जब आपका टारगेट वहाँ से आएगा गवर्नमेंट का जो टारगेट आता है तब आपका जो यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ये टारगेट आपका ले लिया जाएगा, अभी पेंडिंग में रहेगा ये टारगेट। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और पावर बिल्डर इंजन ऑपरेटेड अबव 2 HP का आपने जैसे कि जिस कृषि यंत्र के लिए भी अप्लाई करेंगे वो आपको शो होगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई इससे संबंधित कोई और आपको पूछना है या आप जानना चाहते हैं कोई जानकारी और अधिक, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताएं, और फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर से संबंधित जो है समय समय पर वीडियो लाते रहते हैं, उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा।